देखिए गाइस, आज मैंने ये बना रही हूँ पोहा। तो मैंने ये तो रेसिपी आपको तो दे ही दी हूँ, फिर भी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं इसी तरह इसको फूल मैंने अच्छे से नहीं इसी तरह दिखा रही हूँ। तो ये देखिए भून गया है मेरा। तो ये देखिए मैंने इसमें वो मिर्ची डाल दी हूँ और कड़ी पत्ता डाली हूँ और क्या कहते हैं सरसों राई मैं डाल दी हूँ। उसके बाद से ये प्याज और आलू तो मैं डाल के अच्छे से भून रही हूँ। तो ये देखिए मेरा भून रहा है। और ये मैंने क्या कर ली हूँ कि पहले ही से मैं धो के इस पोहा को, जो कि चिवड़ा हम लोग बोलते हैं, तो उसको धो के रख दी हूँ। जब तक ये बन रहा है, जब तक ये लाल होगा और गल जाएगा, तब तक इसमें का पानी पूरा ही वो सोख लेगा। ये देखिए मैं अभी इसमें ये मटर को ऐड कर दे रही हूँ, तभी ये मेरा इसमें गलेगा। आइए ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही ये हो रहा है, मटर भी वो भड़कता है, तो मैंने थोड़ा सा अपना वो गैस को कम कर ले रही हूँ। और मैं ये देखिए मैं इसमें अभी हल्दी डाल दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही हल्दी पड़ता है, क्योंकि वो पोहा में इसको ये लगना रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हल्दी और नमक भी ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि पोहा को देख के ही डालना रहता है, तो मैंने उसी को देख के डाल रही हूँ। तो ये देखिए देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी दिख रहा है, लेकिन जब मैं पोहा इसमें ऐड करूँगी ना, तो ये बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। अभी ये मेरा आलू अभी गला नहीं है, पका नहीं है, तो मैं अभी इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा और लाल हो जाएगा उसके लिए मैं मूंगफली को पहले ही भून के निकाल लेती हूँ। इसमें बहुत तरीका होता है, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ उसी तरह बनाती हूँ। ऐसे आप बना के देखोगे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा हो रहा है धीरे धीरे मेरा वो क्या कहते हैं आलू धीरे धीरे पक रहा है। अब मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये कब पके, अब मैं इसमें अपने पोहा को ऐड करूँ और फिर हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। तो यही आज कर रही हूँ अपना। तो ये देखिए मेरा पूरा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको इसमें अपना ये पोहा को इसमें डालूंगी और देखिए मेरा कितना भरभरा पोहा हो गया है। उस समय धोई थी तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। और ये देखिए, और इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। ये देखिए ग्रीन येल्लो वाइट को एक में मिलाना है और सबको येलो कलर में कर लेना है। देखिए, और इसको आराम से और पूरा फ्लेम को आपको लो कर देना है, एकदम सिम कर देना है, तब इसको करेंगे, नहीं तो ये क्या होता है कि चिपकना चालू हो जाता है। और ये देखिए मैं मूंगफली को मैं अब भी इसी वक्त मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, और इसको 5 मिनट के लिए मैं इसी सी आँच पे इसको दम पे रख दूंगी, जो कि एकदम पोहा जो अंदर इसका पानी होगा वो पूरा अच्छे से ये हो जाएगा। और ये देखिए वाव क्या दिख रहा है। आपको भी मन कर रहा है खाने को, आपको मन कर रहा है मेरा पोहा खाने के लिए, तो प्लीज़ आप आइए और मेरे पोहा को टेस्ट करिए। उसके बाद से मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये देखिए मेरा पोहा एकदम बिल्कुल अभी रख रही हूँ और इसको ढक दे रही हूँ। ये देखिए मैं अपने ये प्याज और मिर्चर और इससे, और ये रहा मेरा नींबू जो कि ऊपर से मैं निचोड़ दे रही हूँ। और इतना टेस्टी और लाजवाब, आप लोग भी ट्राई करिए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और आइए आप लोग भी खाइए। और इसी के साथ साथ बाय बाय। कहाँ दीदी एकदम रेडी हैं, साल सिमटर सब कुछ लेके, तो मैं चल रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, देखिए मैं क्या लेती हूँ। आप लोग से भी अगर बनेगा तो जरूर दिखाऊंगी।
26 जनवरी के अवसर पे पूरा डेकोरेट हुआ है। देखिए मैं मछली दुकान में आ गई हूँ और मछली मैं सोची कि थोड़ा सा दो चार लेके चलती हूँ क्योंकि मेरा मछली कम हो गया था जो कि हम यहाँ से ख़रीद रहे हैं। और फिर तो मैंने मार्केट में ये देखी तो मेरे को लेने को मन कर दिया तो मैंने ले लिया। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मछली थी और बड़ा छोटा सब तरह के मछली थी तो मैंने बोला इनसे कि एक दो मछली ले लेते हैं। तो फिर हम लोग ले के फिर उसी को आ गए हम लोग मार्केट से और थोड़ा बहुत और सामान। तो ये देखिए आज फिर से मैंने मेथी का पराठा बना रही हूँ जो कि रेसिपी आप लोगों को नहीं दूंगी क्योंकि एक बार मेरे वीडियो में मैं अपना इसका फुल रेसिपी दी थी कैसे सानते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो मैंने आज देखिए सुबह से चालू कर दी हूँ थोड़ा सा वीडियो अपना। तो आज का ये तो मेरा डिनर रहा। जितने सिम पे आज पे बनाओगे धीरे धीरे उतना ही अच्छा बनता है ये। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी होता है। मैं कितना सीजनली रहता है तो मैं जब तक इसका सीजन रहता है तब तक मैं 8-10 बार तो बना ही लेती हूँ क्योंकि सबको अच्छा लगता है। और आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बना रखी है जो कि मैं उसका भी रेसिपी आप लोग से शेयर करती हूँ तो वो भी नहीं दिखाई लेकिन ये मैं सेक रही थी तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को ये दिखा देती हूँ।